Hi friends, welcome to Sweetest Life. Happy Friendship Day to all my cute friends. Friends, मुझे पता है कि मेरे से छोटे जो friends हैं, उन लोगों को मोमोज बहुत पसंद है। तो friends, आज आप ही लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोमोज। तो friends, आज बनाना सीखते हैं मोमोज। आइए चलिए मेरे साथ किचन में मोमोज बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने सब्जियों को बारीक बारीक काट कर उसको नमक मिलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब उसको निचोड़ कर सारा पानी निकाल देंगे। नमक मिलाने से उससे पानी सारा निकल जाता है। तो सब्जियों में हमने लिया है कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर और बीटरूट। बीन्स और अनियन को भी काट कर इसमें हमने मिला लिया था। तो अब इसमें से पानी अलग करके इसे निचोड़ के अच्छे से रख लेंगे। अब हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं शेजवान चटनी। इसके लिए हमने 4 टमाटर लिए, उसको बॉईल कर लिया है जिससे कि उसका जो छिलका है वो आराम से निकल जाता है। अब उसी सब्जियों में हम मिला रहे हैं पनीर। पनीर को मैश करके मिला लेना है। अब हम आटे को गूंदेंगे, डो बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी सब्जियों और ये जो हमने स्टफिंग बनाया है उसको फिलिंग करेंगे। तो इसमें ज़रा सा नमक मिलाया है हमने आटे को, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, और घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। फिर इसको नरम गूंद लेना है, बहुत पानी नहीं मिलाना है, लेकिन इसको अच्छे से देर तक गूंदना है जिससे कि आटा सॉफ्ट हो जाए। ये हमारा हमने लिया है मैदा फाइन फ्लोर, तो उसको हम गूंद के रख लेंगे। अब देख लीजिए ये कितना नरम हो गया, पानी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये डो सॉफ्ट बनना चाहिए। और इसके ऊपर से हम ज़रा सा ऑयल डालकर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जब आधे घंटे बाद इसके बनाने की तैयारी करेंगे तो इसको हम फिर से ज़रा सा गूंद लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हमने रेस्ट के लिए रख दिया है। अब हमारा टमाटर बॉईल हो चुका है, उसको हम चटनी बनाएंगे। एक मिक्सर में सारा छिलका हटाकर उसे मिक्सर में डाल लेंगे। उसके अंदर लहसुन डालेंगे, नमक डालेंगे और लाल मिर्च जो कि हमने टमाटर के साथ ही बॉईल कर लिया था, और ज़रा सा चीनी। इन सबको मिलाकर उसके ऊपर से विनेगर डालेंगे, और अब हम इसको अच्छे से प्लेन एकदम ग्राइंड कर लेंगे, एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए फाइन सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। एक पैन में ऑयल लेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 4-5 कलियां लहसुन की बारीक बारीक काट कर उसे डाल लेंगे। जब गार्लिक अच्छे से हो जाए तो पेस्ट उसमें डालकर अच्छे से इसको छोंक लगा देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। अगर नमक और चीनी ज़रा कम और ज़्यादा हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा टेस्टी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे मोमोज के कवर। उसके लिए इसे पतला बेल लेंगे, और जो हमने स्टफिंग तैयार किया है वो इसको बीच में रखकर इसे अच्छे से किसी भी डिज़ाइन से आप इसे बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम ये सारे बने हुए स्टफ किए हुए मोमोज को स्टीमर में डालकर स्टीम कर देंगे, और स्टीमर में स्टीम करने से पहले उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि निकलने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा 20 मिनट बाद बनके तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा ऐसे बनाकर मोमोज कितने टेस्टी बनेंगे। तो ये हमारा टेस्टी मोमोज तैयार है। फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए और मुझे बताइए कि मोमोज आपको कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही नई रेसिपीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी मोमोज बने हैं, आप लोग भी खाइए और मेरे चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।